सूरत ग्रामीण स्कूलों में कोरोना की दहशत ने लईने फरजियात मास्क पहेरवानो अमल करवामां आव्यो छे। हाल चीन ने कारणे गतिविधि पकड़ी छे त्यारे समग्र भारत में एक डरनो माहौल फैलायो होय त्यारे गुजरात मुख्यमंत्री द्वारा एक परिपत्र बहार पाड़वामां आव्यो जे वात ने लईने समग्र गुजरात में तमाम शालाओं में फरजियात मास्क पहेरवुं अने सेनेटाइजर राखवानी अमलवारी परिपत्र बहार पाड़वामां आव्यो छे। जिला शिक्षण अधिकारी कचेरीए परिपत्र जाहिर करी ग्रामीण तमाम स्कूल में सैनिटाइजिंग सोशल डिस्टन्स फरजियात मास्क फरजियात हाथ धोवा माटेनी तमाम प्रकारनी सुविधाओ राखवानी साथोसाथ तमाम स्कूलना स्टाफने पण आ नियमनुं पालन करवानुं होय तमाम शिक्षण स्टाफ अधिकारीओने पालन करवानुं रहेशे तेवुं जणावता स्कूलोमां अभ्यास करता विद्यार्थीओने मास्क पहेरवानी फरज पाडवामां आवी रही छे। सर आज हमारे स्कूल में बताया कि कोरोना COVID-19 जो है वो वापस से आ चुका है, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो COVID-19 की गाइडलाइंस है वो बताई गई। हमें कहा गया है हमारे स्कूल में कि मास्क कंपलसरी है और मास्क के साथ साथ सैनिटाइज़र भी कंपलसरी है, हमें हैंड वॉश करते रहना है और लंच शेयरिंग और फिर क्लास में भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है। कोरोना को लेकर आपको किसी को बच्चे को कोरोना हो जाए तो आपको क्या स्कूल के कहा गया? हमारे प्रिंसिपल द्वारा ये कहा गया है कि अगर हमारी क्लास में या फिर हमारे स्कूल में किसी को कोरोना हो जा रहा है या फिर फीवर टाइप का कुछ लग रहा है तो वो घर पर ही रहे, उन्हें ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। कोरोना के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? कोरोना के लिए मैं संदेश देना चाहूँगी कि जैसे COVID-19 आ रहा है और देशों में आ रहा है, हमारे देश में अभी उतना केस नहीं है लेकिन जितना भी है हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी चाहिए, जो भी गाइडलाइंस है उसे फॉलो करना चाहिए। बस मेरा नाम RS तिवारी सर है और मैं शिव सागर स्कूल में एडमिन के पद पे कार्यरत हूँ। जैसा कि यह कोरोना वायरस की न्यूज़ आ रही है और हमें सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार हमने बच्चों को पेरेंट्स को गाइड किया है कि कंपलसरी मास्क लगा के ही स्कूल आना है, सैनिटाइज़र हर बच्चे के पास अपने पास होना चाहिए और किसी भी बच्चे को अगर ज़रा सा भी सर्दी खांसी फीवर ऐसा कुछ महसूस होता है तो वो इन्फॉर्म करें या फिर बच्चों को घर पे ही रखें। पेरेंट्स को हमने सूचना दी है कि घर पे ही रखें, हम बच्चों को यहाँ से ही होमवर्क वगैरह जो कुछ भी है ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएंगे उन्हें ऐसा कुछ भी, और पूरी तरह से हम बच्चों को अभी सोशल डिस्टेंसिंग ये सभी मेंटेन कर रहे हैं और हम चाहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम चाहते हैं कि कुछ भी छोटा मोटा भी हो तो वो पहले ही उसका प्रिवेंट करें और बच्चों को भी हम हेल्दी फूड के लिए भी गाइड कर रहे हैं ताकि वो हेल्दी फूड लें, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करें, एक्सरसाइज ये सब बच्चों को सिखा रहे हैं कि व्यायाम वगैरह करें और रेगुलर अपने हेल्थ कॉन्शियस रहें।